थॉट पार्टिकल जो है वो बॉडी विल बी एबल टू कंट्रोल ऑल द सेल्स एट वन टाइम. एक्सेप्शन मे बी दी है ओजीडब्ल्यू है, लेकिन उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन होने पर उसकी जमानत क्यों नहीं होती? जैसा कि हमारा एक नेबर है, उसको 2 सालों से तिहाड़ जेल में रखा गया है, लेकिन अभी भी ये प्रूव नहीं हुआ. के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है. मैं अदा करना चाहता हूँ मिस्टर तौसीफ और एलिक्सिर फाउंडेशन का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमने अपनी कोशिश की थी, जिसमें आप लोग कुछ एक चीजें जो हमने पिछले, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं. इवेंट्स में कुछ हमने अपनी कोशिश की थी, जो हमारी जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है बालापुर में, जो कुछ बोलूंगा वो आज अपने आप मेरे को अबू के तरह मान लीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र 25 साल है और यह अपने बड़े भाई की उम्र के तकाजे के मौका मिल जाए, उसी की कोशिश का कुछ झलक मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई कजन है, मेरा कोई बेटा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सारे पहले सवाल ले लूं. ये है कि उनको हमें समझना है और हमको उनको समझना है. आवाम और फौज के बीच के अंदर कोई गैप रहना नहीं चाहिए. हम उनकी फौज हैं और वो हमारा आवाम है. लाजमी बात है, जहाँ पर फोर्स लगती है तो हर इंसान को फोर्स के साथ वो लगता है. और मैंने उनको यही सवाल का जवाब दिया है कि जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होगी वैसे वैसे फोर्स कम होती जाएगी. फोर्स कम होगी तो तनाव. ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एक रियलिटी है यहाँ की मिलिटेंसी की, जिसके अंदर पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेरर एजेंट्स इनके ऊपर हर तरह की ऐप के साथ पहुँचने की कोशिश करते हैं, इनको बहका के अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं. पहले एज OGWs, अभी आपने सुना होगा कि कल परसों भी बिहार से पहली बारी एक पिकअप किया है, वो इंसान मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था. 2 हमारे लड़के पंजाब में चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे, तो इन सब से कैसे कॉन्टैक्ट किया होगा? इन सब से ऑनलाइन ही कॉन्टैक्ट होता है, फिर उनको बहला के पुसका के कहीं पर बुलाया जाता है, कोरियर बनाया जाता है और फिर इनके ऊपर धीरे धीरे कर कर इनको मिलिटेंसी में शामिल कर लिया जाता है. क्या वो ऑनलाइन? चलिए अभी बाद में बात करेंगे.